गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। लॉकडाउन का फेज चल रहा है और इस लॉकडाउन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं हमने ही नहीं, हमारे पेरेंट्स ने भी, हमारे दादा दादी ने भी, जो इस जनरेशन में हैं लोग 2020 में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड दिस फेज इज़ गोइंग वेरी डिफिकल्ट एंड टफ फॉर मेनी पीपल। एक जो प्रॉब्लम विच एवरीबडी इज़ फेसिंग राइट नाउ इज़ दैट हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑनलाइन राइट नाउ। अब एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो आ रहा होगा, विच वी आर जस्ट इग्नोरिंग। एंड सबसे ज़्यादा क्या हैम्पर हो रही है, स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान देने से, बिकॉज वी आर यूजिंग ईदर लैपटॉप्स और टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स और यू नो टीवी स्क्रीन्स, तो स्क्रीन ब्राइटनेस से कोई तो पार्ट हमारा बॉडी का इम्पैक्ट इफेक्ट हो रहा होगा, वो है आइज़, बिकॉज आइज़ इज़ द ओनली वन थिंग दैट इज़ द मोस्ट अब्यूज्ड एंड यूज्ड ऑर्गन। ठीक है, तो अब जब आइज़ हमारी रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो रही है, वाई? बिकॉज 80 to 90% और मे बी मोर परसेंट ऑफ नॉलेज इज़ गेन्ड थ्रू आइज़, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं, वही हम दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज्ड और अब्यूज्ड ऑर्गन आइज़ है। तो अब जब वो स्क्रीन ब्राइटनेस पे ज़्यादा फोकस जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी आइज़ पे इम्पैक्ट तो आ ही रहा होगा, हमारी आई मसल्स वीक हो रही हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू स्ट्रेंथन आवर आई मसल्स एंड गो ऑन विद दिस ऑनलाइन, एंजॉय दिस ऑनलाइन एजुकेशन फेस। सो सबसे पहले हम लोग कोई भी आई प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं पामिंग से। तो दोनों हाथों को रब करेंगे और फिंगर टिप्स वो आंखों पे बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे उन पे रखेंगे, ताकि हम अपनी आईज़ को सूद कर सकें और काम कर सकें। जब हमारी हाथों में एनर्जी और वार्मथ आ जाए, वी कीप आवर पाम्स ऑन आवर आईलिड्स। रिमूविंग योर पाम्स, ओपनिंग योर आईज। फर्स्ट प्रैक्टिस इज आई मूवमेंट, जो कि होगा अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। आइज क्लोज करेंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास छोड़ेंगे और आंखें खोलेंगे, सेंटर में देखेंगे, ब्रीद इन करते हुए अपर लेफ्ट, ब्रीद आउट लोअर राइट, ब्रीद इन अपर लेफ्ट लोअर राइट, अपर लेफ्ट लोअर राइट, अपर लेफ्ट लोअर राइट, आइज क्लोज। कोई भी प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद कम से कम 20 सेकंड्स के लिए आपको आंखों को बंद करना है, ताकि आपकी आई मसल्स को अपना टाइम मिले टू गेन स्ट्रेंथ फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। फिर हम ब्रीथ इन करते हुए आंखें खोलेंगे। नाउ वील प्रैक्टिस अपर राइट लोअर लेफ्ट। बच्चों इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम कोई भी प्रैक्टिस करें उसको कम से कम 10 से 12 बारी रिपीट करें, जिसे और रेगुलर बेसिस पे करें। मतलब ये नहीं कि आज किया और उसके बाद जब आंखों में दर्द हो गया या लग रहा है कि ठीक है फ़र्क पड़ गया तो छोड़ दें। अगर आप छोड़ देंगे तो वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नहीं दे पाएगी। वट यू हैव टू डू इज गेन पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड वर्ल्ड। ठीक है, नॉट टेकिंग इट एज अ प्रेशर, बिकॉज द मोर यू फोकस ऑन द स्क्रीन द मोर योर हेड बर्न्स। तो इसलिए अगर हम ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं स्क्रीन पर, तो उसके लिए हमें आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस, जस्ट गिविंग 5 to 10 minutes a day won't matter much to you। तो आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखिएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज आई रोटेशन क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ब्रीद इन, आईज क्लोज, सेंटर में देखेंगे, पहले बहुमत देर में अपनी आईलेट्स को लाएंगे, देन क्लॉक वाइज, देन एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, देन आईज क्लोज। गिव इट 20 सेकेंड्स ब्रेक। Now when you open your eyes, you have to blink your eyes for at least 20 times and you have to repeat this process at least 6 times. This whole one round consists of 20 blinks. So at least 6 rounds aapko karne hai is cheez ke.
फिर से ब्रीदिंग करते हुए विल स्टार्ट ओवर अगेन. Relax your eyes for at least 20 to 30 seconds. Now when you open your eyes, our next practice will be focusing in Bhavamadhya, eyebrows ke beech mein and nose tip pe, Nasikagra Mudra. Close your eyes for a few seconds. Relax. Our next practice is त्राटक. त्राटक के लिए सबसे पहले आप अपने राइट हैंड को आगे निकालेंगे और उसके थंब पे फोकस करेंगे. सारा ध्यान राइट हैंड के थंब पे फोकस करते हुए. Open your eyes, look at your right hand thumb. Do not worry if your eye waters. It is just cleaning off the dust from the eyelids, from your lacrimal glands. Do not blink your eyes. Close your eyes, then with another hand. Repeat this for at least 5 times, eyes closed. And repeat till your eye starts watering. Then close your eyes. Then you will gaze at a point, at a moving point. वो भी त्राटक का ही केसा है. अपने हाथ को right hand को ऐसे निकालेंगे. Make sure your trunk is straight. Trunk, spine and cervical bone and your head is in a straight alignment. And what you have to do is just gaze at a moving thumb. And your neck should be straight. Only your eyelids will move. Eyes open. Focus at your thumb till the point you can stare at it. Where you're losing your focus, just stop your hand there. Stop the movement of your thumb there. Start bringing it back. Then close your eyes. Movement at the other side. Breathe in and open your eyes. Where you're losing focus, just keep your hand calm there. Start bringing it back to the focus point, to the front. Closing your eyes, keep your hands down. अब इसी में ऊपर नीचे एक होता है movement, up and down with the thumb. आप अपने दोनों हाथों को यूं रखेंगे, दोनों हाथों के thumb पे ध्यान देंगे. ऊपर नीचे, ऊपर नीचे. Close your eyes for 30 seconds after each practice. Make sure you do so. ये practices को आप कम से कम 10 से 12 बारी करेंगे to feel its effect on your eye muscles. Now what happens is आप लोग ज़्यादा screen पे ध्यान दे रहे हैं, लेटे हुए बैठे हुए different positions में, तो आपके eyes और head बहुत ज़्यादा pain करता है. तो I'm telling you certain points where you can, pressure points where you can press and release the pain. First is Bhavamadhya के बीच में, pressing it in a clockwise direction 7 rounds and anti-clockwise direction 7 rounds. Next is eyebrows के नीचे,
स्लाइडिंग योर थंब एटलीस्ट 5 times. Now keeping your thumb here at the eyebrow end, pressing this point circular direction clockwise as well as anticlockwise 5 times each. And using your palms, fingers to bring the pressure here. Then keeping your fingers here, ear caps ke upar ek gadha sa hai, wo ek point hai, pressure point. Usko clockwise aur anticlockwise 5 rounds. और इसी गड्ढे से अगर आप अपने हाथों को फिंगर्स को पीछे रखेंगे ईयर के पीछे तो यू कैन फील अ पॉइंट ओवर देयर एज वेल. बिल्कुल पीछे वहाँ पे भी हल्का सा गड्ढा है कानों के पीछे आपके स्कल में. यू कैन फील दैट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. उसी पॉइंट से 5 times अगर आप ये वाला पॉइंट प्रेस करेंगे सारे फिंगर्स स्प्रेड करके सर पे स्कैल्प पे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव. Now last process of our eye practice is cupping. दोनों हाथों में घर्षण करेंगे और हाथों की palms की कटोरियाँ बनाकर जब उनमें warmth और energy आ जाए आँखों पर लगाएंगे. आँखें हाथों की हथेलियों में ही खोलेंगे, fingers हटाएंगे और हाथ हटाएंगे. नाउ एक चीज़ अगर हमने नोटिस की होगी वो ये है कि जब हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो हम लोगों की आईज़ में वाटर आ रहा है या हम लोग ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. और अगर आँखों से पानी आ रहा है तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज लैक्रिमल ग्लैंड्स अपने अंदर से डस्ट निकाल रहे हैं. लैक्रिमल ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स ओवर नियर आईज, तो वो डस्ट रिलीज़ कर रहे हैं जिससे आपके आँखों में ड्राइनेस नहीं आएगी और आपकी इरिटेशन आँखों की कम हो जाएगी. दिस विल रिलैक्स ईज योर आई मसल्स एंड ब्लिंकिंग की जहाँ तक बात है वो रेगुलर प्रैक्टिस से कम हो जाएगी, तो इस बात को लेके भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. ध्यान मुद्रा में आएंगे लंबी गहरी श्वास अंदर ओम का उच्चारण करते हुए. कुछ देर इसी प्रकार बैठे रहेंगे हाथों में घर से कपिंग करते हुए आंखों पर लगाएंगे हाथ. रिलीज एंड रिलैक्स. थैंक यू.